हेलो दोस्तों यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम मुल्क राज आनंद की लाइफ और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बेसिकली मुल्क आनंद वाज एन इंडियन राइटर ऑफ सेंचुरी ही इज़ फेमस फॉर हिज ए ऑफ द लाइफ्स ऑफ लोअर क्लास इन द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी तो बेसिकली जो मुल्क राज आनंद होते हैं ये ट्वेंटी सेंचुरी की एक इंग्लिश राइटर हैं और इन्होंने अपनी वर्क्स में लोअर क्लास के पीपल के लाइफ को दिखाया है कि किस तरह से उनका एक्सप्लोरेशन होता है एक को इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी में तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को मल्क राज आनंद का जन्म बारह दिसंबर उन्नीस को पेशावर में होता है जो कि इस समय पाकिस्तान में है ही डाइड ऑफ निमोनिया इनकी निमोनिया से मृत्यु हो जाती है ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर दो हज़ार चार को और उस समय ये अट्ठानबे साल के होते हैं इनकी मृत्यु पुणे में होती है जो कि महाराष्ट्र में है हिज़ फादर लालचंद वॉल्स आ कॉपर स्मिथ एंड वॉल ऑल्सो आ हेड क्लर्क इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी इनके पिता का नाम लालचंद होता है जो कि ये कापर स्मिथ होते हैं और ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हेड क्लर्क भी होते हैं इनके मदर का नाम ईश्वर कौर होता है जो कि एक हाउस वाइफ होती हैं इन 1921 आनंद पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड वाज इम्प्रजेंट फॉर सम टाइम और 1921 में मुल्क राज आनंद एक नॉन कोऑपरेशन आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और इन्हें कुछ समय के लिए कैद भी किया जाता है इन 1924 ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम खालसा कॉलेज अमृतसर पंजाब और इसके बाद में 1924 में ये खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं जो कि अमृतसर पंजाब में है ही वेंट फॉर हायर स्टडीज़ ऑन अ स्कॉलरशिप टू यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन और ये हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन जाते हैं और उसके बाद में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनका इनमेंट हो जाता है इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन ही रिसिव्ड हिज पी एच डी डिग्री इन फ़िलासफी एंड गॉट हिम सेल्फ एक्टिवली इन्वॉल्व इन लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स और उन्नीस सौ उनतीस में ये अपनी पी एच डी की डिग्री प्राप्त करते हैं फिलासफी में और उसके बाद में ये पूरी तरह से लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं इन नाइनटीन थर्टी एट आनंद मैरिट एंड इंग्लिश एक्ट्रेस कैथ लीन वैन गल्डर और उन्नीस में आनंद एक इंग्लिश एक्ट्रेस से शादी करते हैं जिसका नाम होता है कैथलीन वैन गिल्डर दे हैड अ डॉटर सुशीला उनसे इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम सुशीला होता है और उसके बाद में 1948 में उससे डिवोर्स ले लेते हैं तलाक ले लेते हैं इन 1950 फिफ्टी ही रीमेरिड श्रीन वजीफदार हु होज एन इंडियन क्लासिकल डांसर कोरियोग्राफर इंस्ट्रक्टर एंड इरोटिक और 1950 में मुल्क रास आनंद फिर से शादी करते हैं शरीन वाजिवदार से जो कि एक इंडियन क्लासिकल डांसर होती है कोरियोग्राफर होती, होती है इंस्ट्रक्टर और इरोटिक होती है ही स्टार्टड हिज़ प्रोफेशनल रॉइटिंग करियर इन इंग्लैंड बाई पब्लिशिंग और शॉर्ट रिव्यूज़ इन टी एलियट्स मैगजीन और इनका जो प्रोफेशनल करियर होता है यानी कि राइटिंग का जो इनका प्रोफेशनल करियर होता है वो इंग्लैंड में शुरू होता है और ये जो अपना प्रोफेशनल करियर होता है ये शॉर्ट रिबू को पब्लिश करके इस्टार्ट करते हैं टी एस एट की मैगजीन में और टी एस एट की मैगजीन का नाम होता है द क्राइटेरियन जो कि बहुत ही फेमस मैगज़ीन होती है और इसी में टी एस एलियट का एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है द वेस्ट लैंड उसको भी इसी में पब्लिश किया गया था द क्राइटेरियन में ड्यूरिंग नाइनटीन थर्टीज़ एंड नाइनटीन फोर्टीज़ आनंद प्लेड एंड एक्टिव रोल इन द पोलिटिक्स एंड ऑल्सो बिकेम अ रेगुलर स्पीकर एट द मीचिंग ऑफ द इंडियन लीग और नाइनटीन थर्टीज से नाइनटीन के बीच में आनंद एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन uh, पॉलिटिक्स में और ये जो है इंडियन लीग के एक एक्टिव मेंबर बन जाते हैं इंडियन लीग बेसिकली होता क्या है ब्रिटेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है हुज पर्पस जिसका उद्देश्य होता है वाज टू कैंपेन फॉर फुल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इसकी जो इंडियन लीग होती है इसकी स्थापना वी के कृष्णा मेनन ने की थी he was deeply influenced by ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी जो मूल क्रास आनंद होते हैं ये महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं फ्रॉम नाइनटीन थर्टी नाइन ही स्टार्टड लेक्चर इन लिटरेचर एंड फ़िलासफी और नाइनटीन थर्टी नाइन नाइनटीन थर्टी नाइन से यानी कि उन्नीस सौ उनतालीस से ये लेक्चर देना स्टार्ट कर देते हैं किस में लिटरेचर में और फिलोसफी में कहाँ पे ये लेक्चर देते हैं एट द लंडन कंट्री काउंसिल अडल्ट एजुकेशनल स्कूल्स एंड वर्कर्स एजुकेशनल एसोसिएशन वेर ही टॉट टू टिल नाइनटीन फोर्टी टू और जहाँ पर ये पढ़ाते भी हैं उन्नीस सौ बयालीस तक ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द पाइनियर ऑफ इंडो इंडो एंग्लियन फिक्शन और इनको इंडो एंग्लियन फिक्शन का पाइनियर भी कहा जाता है ही इज़ कॉल्ड इंडिया चार्ल्स डिकन्स और इनको इंडिया का चार्ल्स डिकन्स भी कहा जाता है दिस epithet वॉज given टू हिम after द ग्रांड सक्सेस ऑफ his फर्स्ट नावल और ये जो इनको टाइटल दिया जाता है जो एपिटेट इन्हें दिया जाता है इनकी जो फर्स्ट नावल होती है जिसका नाम है अनटचेबल ये पब्लिश होती है नाइनटीन थर्टी फाइव में और इसकी सक्सेस के बाद में इसकी कामयाबी के बाद में इनको ये टाइटल दिया जाता है अगला पॉइंट है बोथ आनंद एंड डिकन्स रिफ्लेक्ट द सफरिंग्स ऑफ लोअर क्लासेस ऑफ द सोसाइटी और ऐसा टाइटल इसलिए दिया जाता है क्योंकि आनंद जो होते हैं और डिक्कन होते हैं दोनों लोग जो लोअर क्लास सोसाइटी की जो लोअर क्लास होते हैं उनके सफरिंग्स को उनके एक्सप्लाइटोश एक्सप्लाइटेशन को अपने वर्क्स में दिखाने की कोशिश करते हैं या दिखाते हैं ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आनंद वर्कड एज ब्रॉडकास्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर इन द फिल्म डिवीज़न ऑफ बी बी सी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आनंद ने ब्रॉडकास्टर और स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम किया था फ़िल्म डिवीज़न ऑफ वीवीसी में आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1932 थर्टी टू आनंद केम टू इंडिया एंड स्टेड इन साबरमती आश्रम और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में 1932 में आनंद इंडिया आते हैं और साबरमती आश्रम में स्टे करते हैं और वहीं पर ये अपनी इनका जो वर्क होता है जो फर्स्ट नावल होती है जिसका नाम है अनटचेबल उसको वहीं पर ये रिवाइज़ करते हैं इन 1946 ही फाउंडेड मार्ग और 1946 में ये मैगज़ीन की स्थापना करते हैं जिसका नाम है मार्ग ये बेसिकली फाइन आर्ट्स मैगज़ीन होती है इनको कुछ अवार्ड की बात कर लेते हैं जैसे इनको मिलता है इंटरनेशनल पीस प्राइज़ 1953 में मिलता है पदम भूषण मिलता है 1968 में और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है नाइनटीन में मिलता है तो ये कुछ अवार्ड हैं और इनके कुछ नावल को डिस्कस कर लेते हैं इनकी जो फर्स्ट नावल है अनटचेबल ये पब्लिश होती है नाइनटीन थर्टी फाइव में ये बेसिकली क्या होता है कि ये एक रियल स्टोरी से इंस्पायर होकर के लिखते हैं इनकी आंट हो इनकी आंट होती हैं और इनकी जो आंट होती हैं वो मील शेयर कर लेते हैं मुस्लिम वूमन से और उसकी वजह से इनकी आंट को घर से निकाल दिया जाता है और अल्टीमेटली वो सुसाइड कर लेती हैं और ये जो प्रेजेंट नावल होता है इसमें लाख बाखा होता है बाखा बेसिकली एक कैरेक्टर होता है या मेन कैरेक्टर होता है इसके जो पिता होते हैं उनका नाम लाखा होता है ठीक है और बाखा की एक बहन होती है जिसका नाम है सोहिनी सोहिनी को दिखाया गया है कि एक ब्यूटीफुल गर्ल इसमें है खूबसूरत लड़की है और इसमें एक पंडित होता है जिसका नाम कालीनाथ होता है तो इसको स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि जो बाखा होता है बेसिकली बाखा एक स्वीपर होता है जो कि टॉयलेट क्लीनर होता है ये काम कर रहा होता है इसको बहुत तेज प्यास लग जाती है तो ये अपनी बहन सोहिनी से कहता है कि जाओ हमारे लिए पानी ले आओ जब सोहिनी उसके लिए पानी लाने जाती है तो वहाँ पर कुएं पे क्योंकि ये दोनों नीच क्लास के होते हैं लोअर क्लास के होते हैं इसलिए कुएँ पर इसकी बहन को पानी भरने की इजाज़त नहीं होती है तो ये लाइन में खड़ी हुई होती है फिर ये जो पंडित होता है कालीनाथ ये इसकी पानी भरने में मदद करता है लेकिन इसके बदले कहता है कि तुम्हें मंदिर की सफाई करना होगा तो जब एक दिन सोहिनी मंदिर की सफाई करने के लिए जाती है तो उसको सेक्सुअली असोल्व करता है सोहिनी को ये जो पंडित कालीनाथ होता है और जिससे बाखा को बहुत दुख होता है वो कुछ एक्शन लेना चाहता है लेकिन उसकी सिस्टर उसे मना कर देती है और दूसरी घटना ये होती है कि जो बाखा होता है ये टकरा जाता है एक अपर क्लास के व्यक्ति से जिससे जो अपर क्लास का व्यक्ति होता है उसको बहुत तेज़ से तमाचा लगाता है और बाखा आकर ये सारी घटना अपने पिता से बताता है तो उसके पिता उसी पर बिगड़ जाते हैं कि तुमने ऐसी हरकतें क्यों क्योंकि तुम जो अमीर लोगों से क्यों उलझते हो तो ये इसकी स्टोरी होती है बेसिकली अब हम अगले नावल की बात करेंगे अगली जो नावल है वो कुली है कुली के मतलब होता है एक अनस्किल्ड लेबरर होता है ये पब्लिश होती है नाइनटीन थर्टी सिक्स में ये पब्लिश होती है और ये जो बुक होती है दिस बुक इज़ हाईली क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड इंडियाज़ कास्ट सिस्टम ये बेसिकली इसमें क्रिटिसाइज़ किया गया है ब्रिटिश रूल को इंडिया में किस तरह से था और इंडिया के कास्ट सिस्टम को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है ये बेसिकली एक पिकारेस्क्यू नावल होती है जिसमें एक कैरेक्टर के थ्रू किस किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है वो सारा दिखाया जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है इसमें क्या होता है एक चौदह साल का लड़का होता है जिसका नाम मुन्नू होता है और मुन्नू किस तरह से गरीबी की वजह से किस तरह से प्रॉब्लम को समस्याओं का सामना करता है और किस तरह से उसका एक्सप्लाइटेशन होता है इन चीज़ों को इस नावल में दिखाया गया है ये बेसिकली जो नावल होती है इसको मोर देन ट्वेंटी लैंग्वेजेज़ में ट्रांसलेट किया गया है ये बहुत ही फेमस नॉवल है मुल्कास आनंद की हमारी जो अगली नावल है वो है टू लीव्स एंड अ बर्ड ये पब्लिश होती है 1937 में यह पब्लिश होती है दिस नावल अगेन डील्स विद द वे द लोअर कास्ट पीपल आर एक्सप्लॉयटेड इन इंडिया और इस नावल की जो थीम होती है फिर से वही थीम होती है किस तरह से लोअर कास्ट को या लोअर कास्ट लोगों की इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन होता है उस पर यह भी बेस्ड है इसमें क्या होता है इसकी जो सेटिंग होती है बेसिकली इसकी सेटिंग है टी प्लांटेशंस ऑफ असम है और इसमें गांगू इज़ इस सेंट्रल कैरेक्टर एक गांगू होता है जो इसका हीरो कह सकते हैं या सेंट्रल कैरेक्टर यही होता है ये एक मिडल एज्ड पीजेंट होता है जो कि अधेड़ उम्र का एक किसान होता है लिविंग इन होशियारपुर जो कि होशियारपुर में रह रहा होता है अपनी वाइफ के साथ और अपने डॉटर के साथ एक ब्रिटिश सोल्जर होता है जो इसकी जिससे ये अपनी बेटी की रक्षा करता है और इसी पर ये जो है नॉल बेस्ड है यह रहा शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस नावल का हमारी जो अगली नावल होती है लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ अ मास्टर ऑफ आर्ट्स ये बेसिकली पब्लिश होती है 1938 में और इसको आनंद ने लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी कहा है इट आनंद रोट दिस ड्यूरिंग सी व्याज फ्राम टिलबर्ग टू बॉम्बे हार्बर यानी कि आनंद ने इस नावल को सी वयाज़ यानी कि समुद्री यात्रा के दौरान लिखा था और वो समुद्री यात्रा ये के थी टिलबर्ग से बॉम्बे हार्बर तक की थी उसी के दौरान इस नावल को उन्होंने लिखा था अगला जो हमारा है बेसिकली इनकी एक ट्रियोलॉजी भी थी ट्रियोलॉजी के मतलब ही होता है तीन तो ये जो ट्रियोलॉजी होती है ये बेसिकली ये तीनों का है फर्स्ट है द विलेज जो कि 1939 में पब्लिश हुई थी सेकंड है अक्रॉस द ब्लैक वाटर जो कि 1939 में ये भी पब्लिश हुई थी और इसका जो थर्ड है द सॉड एंड द सिकल ये 1942 में पब्लिश हुई थी तो ये जो द विलेज होता है ये ट्रियोलॉजी का फर्स्ट पार्ट होता है और इसकी बेसिकली थीम क्या होती है ट्रोलॉजी की इसमें क्या होता है एक रेबिलियस एडोलिस होता है और उसने क्या एक्सपीरियंस किया था क्या अनुभव किया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उसी चीज़ को इसमें बताया गया है थोड़ा देख लेते हैं इसमें द स्वॉर्ड एंड द सिकल के बारे में आनंद अनाउंस द टाइटल ऑफ द नावल एज ऑल मैन आर ब्रदर्स ये जो इनकी जो द स्वॉर्ड एंड द सिकल होता है इसकी टाइटल आनंद ने रखा था ऑल मैन आर ब्रदर्स बट ऑन द सजेशन ऑफ जॉर्ज ओरवेल लेकिन जॉर्ज ओवेल के जॉर्ज औरवेल के सजेश सजेशन पर उनकी राय पर आनंद ने इसका दोबारा से नाम रखा और दोबारा से नाम रखा द रखा था द स्वॉर्ड एंड द सिकल इट इज़ एडॉप्टड फ्रॉम अ स्टेंजा बाय विलियम ब्लेक इन पोएम्स और ये बेसिकली एडोप्ट किया गया विलियम ब्लेक के एक पोएम से अगला जो इनकी नॉवेल है द बिग हर्ट है जो कि पब्लिश होती है 1945 में इसकी बेसिकली थीम क्या होती है कॉन्फ्लिक्ट बीन हेरिडेटरी कॉपर स्मिथ एंड द कैपिटलिस्ट एक जो होता है कॉपर स्मिथ होता है और जो है कैपिटलिस्ट होता है इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती उसी पर ये बेस्ड है तो इसमें क्या होता है इट इज़ अबाउट अ विलेज ऑफ आर्टिजनस आर्टिजन्स यानी कि कॉपर स्मिथ आर्टिजेंस होते हैं उनके विलेज के बारे में है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में घटित होती है इन अर्ली नाइनटीन फोटीज़ में क्या होता है होज लाइवलीवुड हीज़ डिस्ट्रॉयड इनकी जो जीविका होती है लाइवलीवुड होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है किसके द्वारा वहाँ पर एक को फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है और वो जो फैक्ट्री होती है वो कॉपर के यूटेसिल्स यूटेंसिल्स बनाते है इस वजह से यानी कि जो फैक्ट्री वहाँ पर आ जाती है तो वो कॉपर के यूटेंसिल्स बनाते हैं जिससे जो कॉपर स्मिथ्स के रोजगार है वो चला जाता है तो इस वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है ये हमारी जो अगली है नाइनटीन नाइन नंबर की नावल है द लॉस्ट चाइल्ड नाइनटीन थर्टी फोर है टेन नंबर का है सेवन समर्स है नाइनटीन फिफ्टी वन में पब्लिश हुई थी द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस नाइनटीन फिफ्टी थ्री में पब्लिश हुई थी द ओल्ड वुमन एंड द काउ 1960 में पब्लिश हुई थी द रोड 1961 में पब्लिश हुई थी द डेथ ऑफ अ हीरो जो कि 1964 में पब्लिश हुई थी और ये बेसिकली बेस्ड है एक कश्मीर के फ्रीडम फाइटर के लाइफ पर ये बेस्ड है इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरी लिखी है जिसमें से कुछ ये हैं द लोस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज़ 1934 में पब्लिश हुई थी द बारबा स्टेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज नाइनटीन फिफ्टी में पब्लिश हुई थी द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरीज 1947 में पब्लिश हुई थी रिफ्लेक्शंस ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज़ नाइनटीन में पब्लिश हुई थी द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज नाइनटीन में पब्लिश हुई थी फिर लाजमंती एंड अदर स्टोरीज 1966 में पब्लिश हुई थी बिटवीन टीयर्स एंड लॉफ्ट 19 नाइनटीन में पब्लिश हुई थी और इंडियन फेरी टेल्स 1946 में पब्लिश हुई थी तो ये रहा मुल्क राज आनंद के बारे में होप आपको समझ आया होगा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में देन टेक केयर हैव अ गुड टाइम